नमस्कार दोस्तों, रेलवे में सफ़र करते समय स्टेशन पर या उसके नज़दीक के रेलवे ट्रैक में इस स्ट्रक्चर को अवश्य देखा होगा। क्या आपको कभी ख्याल नहीं आया कि जब सीधी रेल जा सकती थी तो उसे काटकर इस स्ट्रक्चर को क्यों डाला गया? चलिए मैं आपको बताता हूँ और ले चलता हूँ इस स्ट्रक्चर जिसका नाम SEJ है के सफ़र पर। रेलवे ट्रैक में SEJ क्या काम करता है, कहाँ काम करता है और कैसे काम करता है, इसकी पूरी जानकारी मिलने वाली है, तो बने रहिए इस सफ़र में। SEJ का पूरा नाम स्विच एक्सपेंशन जॉइंट है। नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें एक्सपेंशन होता है, अर्थात इसमें फैलाव और सिकुड़ाव भी होता है। इसे उस रेलवे ट्रैक के दोनों सिरों पर लगाया जाता है जो रेलवे ट्रैक LWR है। क्या आप LWR के बारे में जानते हैं? यदि नहीं तो पहले LWR की कहानी सुनाता हूँ, उसके बाद SEJ पर वापस आते हैं। शुरुआत में जब रेलवे बनी तो उस समय के रेलवे ट्रैक में फ्री रेलें जैसे कि 13-13 मीटर की रेलें हुआ करती थी। उन्हें फिश प्लेट की सहायता से बांधा जाता था और उस पर ट्रेन चलाई जाती थी। तकनीक का विकास हुआ, इसके उपरांत रेलों को जोड़कर 39 मीटर लंबी रेलें बनाई जाने लगी और उन्हें फिश प्लेट से जुड़कर रेलवे ट्रैक बनाया गया। इस प्रकार से जुड़कर बनाई गई रेलवे ट्रैक को SWR या शॉर्ट बेल्टेड रेल ट्रैक कहा जा गया। तकनीक में और विकास हुआ और रेलवे इस स्थिति में पहुंची कि वह 250 मीटर या उससे अधिक लंबी रेलों को जोड़कर रेलवे ट्रैक बनाने लगी। इस प्रकार की लंबी बेल्ट रेल वाली ट्रैक को LWR कहा जाता है। इतनी लंबी रेलों को वेल्ट होने के कारण, तापमान में होने वाले परिवर्तन के कारण, इसके सिरों पर इतना फैला हुआ सिकुड़न होता था जिसे सामान्य फेस प्लेट से एडजस्ट करना संभव नहीं था। इसलिए एक नए जोड़ का विकास हुआ जिसे हम स्विच एक्सपेंशन जॉइंट कहते हैं। सामान्यतः SEJ के दोनों ओर एक ही प्रकार के रेल सेक्शन का प्रयोग किया जाता है, अर्थात दोनों ओर या तो 52 kg की रेल होगी या 60 kg की। परंतु जब विशेष परिस्थितियों में इसके दोनों ओर भिन्न प्रकार के रेलों का प्रयोग अपरिहार्य हो जाता है तो इस स्थिति में कम्बिनेशन SEJ का प्रयोग होता है, अर्थात इसकी एक तरफ 52 kg का रेल और दूसरी तरफ 60 kg का रेल। समान रेलों अथवा असमान रेलों के प्रयोग के आधार पर हम कुल 8 प्रकार के SEJ के बारे में जानेंगे। SEJ के दोनों ओर समान रेलें होने पर 7 प्रकार के SEJ एवं भिन्न प्रकार की रेलें होने पर 1 प्रकार का या कम्बिनेशन SEJ। इससे पहले कि हम SEJ की यात्रा पर चलें, आपको यह बताएं कि SEJ नामक ट्रेन किस पटरी पर चलेगी, अर्थात किस स्लीपर पर बिछाया जाएगा, सामान्य या विशेष। तो अपनी जानकारी के लिए बताता हूँ कि विशेष जोड़ के लिए विशेष स्लीपर RT4149 का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग SEJ को बिछाने के लिए स्लीपरों की संख्या अलग अलग होती है। इम्प्रूव्ड टाइप SEJ RT6902 एवं RT6914 को छोड़कर सभी SEJ स्लीपर 6 स्लीपर पर बिछाए जाते हैं और RT6902 एवं RT6914 7 स्लीपर पर बिछाए जाते हैं। इनके प्रत्येक स्लीपर का वजन 413.217 अर्थात 413 kg 217 g होता है। अब वापस चलें SEJ के सफर में। सबसे पहले कन्वेंशनल SEJ का निर्माण हुआ, परंतु कन्वेंशनल SEJ के स्टॉक रेल के टूटने की घटनाएं काफी हुई और उससे दुर्घटनाओं की संभावनाएं बढ़ी। इससे बचने के लिए स्टॉक रेल टूटने के बाद कि वह SEJ से अलग न हो जाए, स्टॉक रेल के बाहरी हिस्से में माइल्ड स्टील की एक प्लेट लगा दी गई और उसे रिवेट कर दिया गया। अब स्टॉक टूटने के बाद SEJ से अलग नहीं हो पाता था। इस प्रकार इस मॉडिफाइड किए गए SEJ को मॉडिफाइड कन्वेंशनल SEJ कहा जाने लगा। इस SEJ की श्रेणी में 2 प्रकार के SEJ बनाए जाते हैं। पहला 52 kg वाले LWR ट्रैक हेतु एवं दूसरा 60 kg वाले LWR ट्रैक हेतु। 52 kg वाले SEJ की ड्राइंग नंबर RT4160 है और 60 kg वाले SEJ की ड्राइंग नंबर 4165 है। ये दोनों SEJ सिंगल गैप वाली 80 mm डिजाइन गैप के साथ बनाई जाती है। प्रारंभिक इंस्टॉलेशन के समय इसका गैप 40 mm रखा जाता है। जैसा कि पहले ही बताया गया, इसमें कुल 6 स्लीपर का प्रयोग किया जाता है और गैप के दोनों ओर के स्लीपरों के बीच
स्पेसिंग 700 mm एवं अन्य स्लीपरों के बीच में स्पेसिंग 600 अथवा 650 होती है, जो कि इस बात पर निर्भर करती है कि उसके पास का LWR ट्रैक का स्लीपर डेंसिटी क्या है। यदि स्लीपर डेंसिटी 1660 होगी तो गैप 600 mm रखा जाएगा, और यदि स्लीपर डेंसिटी 1540 होगी तो 650 mm का गैप रखा जाएगा। अब दूसरी श्रेणी में इम्प्रूव्ड टाइप ACJ 6902 एवं 6914 के बारे में बताता हूँ। यह ACJ भी सिंगल गैप वाले 80 mm डिजाइन गैप के साथ बनाई गई है। इंस्टॉलेशन के दौरान इनका भी प्रारंभिक गैप 40 mm रखा जाता है। इनके सभी स्लीपरों के बीच में स्लीपर स्पेसिंग 600 mm रखी जाती है। अब तीसरी श्रेणी के ACJ में इम्प्रूव्ड ACJ 6922, 8926 एवं 6930 के बारे में बताता हूँ। 6922, 8926 एवं 6930 तीनों ही डबल गैप एवं डिजाइन 65 mm के साथ बनाए जाते हैं, परंतु 6922 एवं 8926 60 kg वाले LWR ट्रैक में इंस्टॉल किया जाता है, जबकि 6930 52 kg वाले LWR ट्रैक में इंस्टॉल किया जाता है। जिन स्लीपर्स पर उन्हें बिछाया जाता है उनकी स्लीपर डेंसिटी भी 600 mm रखी जाती है। अब चतुर्थ श्रेणी में उस ACJ के बारे में बताता हूँ जो भिन्न प्रकार की रेलों के बीच में भाईचारा निभाता है। इस ACJ का प्रयोग तब किया जाता है जब एक ओर 52 kg के रेल सेक्शन वाला ट्रैक हो एवं दूसरी ओर 60 kg वाला रेल सेक्शन का ट्रैक। इस ACJ की ड्राइंग नंबर RD6782 है और इसका मैक्सिमम डिजाइन गैप 80 mm है। यह एक सिंगल गैप वाला ACJ है। इस ACJ में टंग रेल 60 kg एवं स्टॉक रेल 52 kg की बनी होती है। इसे 6 स्लीपर के ऊपर बिछाया जाता है, परंतु ACJ गैप के दोनों ओर के स्लीपरों के बीच में स्लीपर स्पेसिंग 700 mm रखी जाती है और अन्य स्लीपर के बीच में 600 mm या 650 mm रखी जाती है, जो कि उसके पास के LWR की स्लीपर डेंसिटी पर निर्भर करता है। अब सवाल उठता है कि इतने सारे ACJ क्यों बनाए गए? यदि इतने बनाए गए तो कुछ तो कारण रहा होगा। जी हाँ, क्योंकि प्रत्येक ACJ की अपनी कुछ लिमिटेशंस है। कुछ सीधे ट्रैक पर बिछाए जा सकते हैं और कुछ गोलाई वाले ट्रैक पर। कुछ को तो विशेष गोलाइयों के लिए ही बनाए गए हैं, जैसे RT4160 एवं 4165 सीधे ट्रैक पर बिछाए जा सकते हैं और अधिकतम आधे डिग्री तक की गोलाई में बिछाए जा सकते हैं। दूसरा RT6902 एवं 6914 तथा 6922 एवं 6930 ये 2 डिग्री तक की गोलाई में भी बिछाए जा सकते हैं। RT8926 को सीटी की अनुमति से 2 डिग्री से अधिक परंतु 4 डिग्री तक की गोलाई में बिछाए जा सकते हैं। इसी के साथ यह ACJ की यह यात्रा यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो लंबा होने के कारण अनुरक्षण एवं कंपोनेंट से संबंधित जानकारी छोड़ दी गई है। आपके इस वीडियो के लाइक के आधार पर अगले भाग को भी बनाया जा सकता है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।